आज देखेंगे हम इस लेक्चर में केमिकल रिएक्शन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। हम कल देखते फिजिकल प्रॉपर्टीज में कि जो रहता है कार्बोनिल कार्बन, इस कार्बोनिल कार्बन में कार्बन रहता है और पॉजिटिवली पोलराइज्ड कार्बन रहता है एंड ऑक्सीजन निगेटिवली पोलराइज्ड रहते हैं। तो इसी बेसिस पर हम देखेंगे कि आज किस तरह से न्यूक्लियोफाइल मीन्स ये केमिकल रिएक्शंस होती है विथ न्यूक्लियोफाइल से। तो जो रहता है ये न्यूक्लियोफाइल, इस न्यूक्लियोफाइल में हम देखते हैं कि न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज रहता है इलेक्ट्रोनिगेटिव। ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है पॉजिटिवली पोलराइज्ड इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर एंड देन दे फॉर्म डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो हम फर्स्ट वन देखते हैं, नंबर वन देखते हैं हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, इट मीन्स दैट HCl। अब किस तरह से हाइड्रोजन साइनाइड रिएक्ट करता है एल्डिहाइड से, हम इस चीज को देखेंगे कि किस तरह से हाइड्रोजन साइनाइड एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है और फॉर्म करता है अवर रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। फर्स्ट टेक एल्डिहाइड और कीटोन। अब लेते हैं हम RC OR। इफ वी टेक कीटोन, तो देखते हैं हम इस कीटोन के साथ किस तरह से हाइड्रोजन साइनाइड HCN अटैक करेगा और फॉर्म करेगा प्रोडक्ट। तो हम यहाँ पर देखते हैं दिस साइनाइड इज इलेक्ट्रो निगेटिव मीन्स साइनाइड इज न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली अटैक करता है पॉजिटिवली पोलराइज्ड कार्बन पर देन दे फॉर्म अ प्रोडक्ट। हियर सी पर क्या अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल साइनाइड, एंड हियर आर एज इट इज, हियर आर एज इट इज, एंड देन दिस OH फॉर्म दिस ऑक्सीजन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन एंड फॉर्म OH। देयरफॉर वी कैन से दैट दिस प्रोडक्ट इज साइनो, CN से साइनो, एंड देन दिस वन इज हाइड्रीन। ये फॉर्म करेगा साइनो हाइड्रीन। देखते हैं हम अब यर आर डैश मे बी अल्किल ग्रुप एरिल ग्रुप एंड आर अल्किल ग्रुप CN साइनाइड OH हाइड्रो ऑक्सिल ग्रुप। देयरफॉर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड विथ कीटोन दे फॉर्म साइनो हाइड्रीन। अब देखते हैं इसकी एग्जांपल लेंगे, हम लेते हैं कीटोन CH3 अगेन CH3 डबल बॉन्ड O, ये रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन साइनाइड से सेम दिस न्यूक्लियोफाइल अटैक टू इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एंड देन दे फॉर्म एसीटोन साइनोहाइड्रीन। फॉर्म करता है हियर कार्बन, अगेन कार्बन पर क्या अटैक कर रहा है न्यूक्लियोफाइल CN, देन नेक्स्ट वन हियर CH3 एज इट इज, अगेन CH3 एज इट इज, एंड दे फॉर्म OH। तो दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड एज, अगर हम देखेंगे इस चीज को तो ये क्या फॉर्म करता है एसीटोन, देन दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज एसीटोन साइनोहाइड्रीन। क्या नाम है इसका, एसीटोन हियर CN से साइनो, देन दिस वन हाइड्रीन। नेक्स्ट वन देखते हैं इफ वी टेक एसिटाल्डिहाइड, तो इससे हम किस तरह से प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, लेते हैं एसिटाल्डिहाइड CH3H C डबल बॉन्डो। When एसीटोन reacts with हाइड्रोजन साइनाइड then again न्यूक्लियोफाइल react करेगा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर then they form our required product C as it is न्यूक्लियोफाइल CN and then CH3
अगेन क्या फॉर्म करेगा हियर एच एंड दिस वन ओएच, तो ये फॉर्म होता है एसिटाल्डिहाइड। अगर हम देखते हैं तो ये क्या रहेगा, ये टू कार्बन है, एसिटाल्डिहाइड है, CH3CHO एसिटाल्डिहाइड और CN से साइनो, अगेन H से हाइड्रीन, तो ये फॉर्म करता है एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। तो विद द हेल्प ऑफ और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड वी कैन फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइनोहाइड्रीन। हियर CN इज अ न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज अटैक टू इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिल कार्बन एंड फॉर्म आवर रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। नेक्स्ट वन हम देखते हैं नंबर सेकंड, एडिशन ऑफ सोडियम बाय सल्फाइड। एडिशन ऑफ सोडियम बाय सल्फाइड, सिंपल वन क्या लेते हैं, सोडियम मीन्स एनी, बाय मीन्स हाइड्रोजन, सल्फाइड एस ओ थ्री। इफ वी एड एन ए एच सी ओ थ्री इन एल्डिहाइड्स एंड कीटोस देन दे फॉर प्रोडक्ट। फर्स्ट वन टेक एसिटाल्डिहाइड सी डबल ओ सी एच थ्री एच, वेन एसिटाल्डिहाइड ट्रीटेड विथ सोडियम बाय सल्फाइड, सोडियम बाय सल्फाइड देन दे फॉर्म। देखते हैं अब ये, अब इसमें हम ये देखते हैं कि जो रहता है ये ऑक्सीजन किससे फॉर्म होगा, फॉर्म करेगा ओ एच, अगेन ये न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएगा हमारा एसओ थ्री एन ए, ये कहाँ अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर, देन दे फॉर्म प्रोडक्ट। फर्स्ट वन किस तरह से होता है ये, यहाँ हो जाएगा हमारा ये एच एज इट इज, या सी एच थ्री एज इट इज अटैक करता है, क्या फॉर्म करेगा यहाँ पर हमारा एस ओ थ्री, अगेन हियर सोडियम एन एच एंड देन ओ एच फॉर्म करेगा ओ एच। इजी रिएक्शन है, हियर एस ओ थ्री एन ए इज अ न्यूक्लियोफाइल दे डायरेक्टली अटैच टू इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिल कार्बन एंड फॉर्म दिस प्रोडक्ट। द नेम ऑफ द प्रोडक्ट इज, देखते हैं ये, अगर हम ये लेते हैं ये फॉर्म होता है हमारा एसिटाल्डिहाइड, अगेन हियर रहता है सोडियम, देन दिस वन इज सल्फाइड, तो इसका नाम हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड, अगेन हियर सोडियम, देन एच से बाय एसओ थ्री सल्फाइड, ये रहता है हमारा ऑलवेज इन अडक्ट फॉर्म। इजी है, व्हेन एसिटाल्डिहाइड रिएक्ट्स विद सोडियम बाय सल्फाइड बाय न्यूक्लियोफिलिक अटैक देन दे फॉर्म एसिटाल्डिहाइड सोडियम बाय सल्फाइड अटैक। नेक्स्ट वन देखते हैं, इफ दिस सोडियम बाय सल्फाइड रिएक्ट्स विद एसीटोन, एसीटोन मीन्स सी डबल ओ सी एच थ्री, अगेन हियर सी एच थ्री, क्या अटैक करें हम एन ए एच मीन्स न्यूक्लियोफाइल देन दे फॉर्म, सिंपल वन एसओ थ्री एन ए अटैक करेगा कहाँ पर, इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर, देन ऑक्सीजन एक्स रिएक्ट करेगा फॉर्म करेगा, देन क्या फॉर्म करते हैं कार्बन, हियर सी एच थ्री एज इट इज, अगेन हियर सी एच थ्री एज इट इज, यहाँ बनाता है हमारा क्या फॉर्म करेगा एस ओ थ्री, अगेन हियर सोडियम, देन क्या फॉर्म करेगा ओ एच। धिस अडक्ट, धिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड एस, क्या बन जाएगा ये, इस तरह से लेते हैं तो क्या होता है ये एसीटोन होता है एसीटोन, देन हियर सोडियम, अगेन एच से बाय हियर सल्फाइड अडक्ट, क्या हो जाएगा इसका नाम एसीटोन। नेक्स्ट वन सोडियम हियर बाय सल्फाइड अडक्ट है, इजी दिस वन सिंपल न्यूक्लियोफिलिक अटैक। अब देखते हैं हम नेक्स्ट वन लेते हैं, इफ वी टेक एडिशन ऑफ अल्कोहल,
अल्कोहल इजी एडिशन होता है इसका. इफ वी टेक नंबर थर्ड एडिशन ऑफ अल्कोहल. अब अल्कोहल से किस तरह अटैक करते हैं, सिंपल वन हम लेते हैं एल्डिहाइड. इफ वी टेक एल्डिहाइड, दिस वन इज अवर एल्डिहाइड. इफ एल्डिहाइड रिएक्ट्स विथ अल्कोहल मीन्स आर डैश ओएच. इफ एल्डिहाइड रिएक्ट्स विथ अल्कोहल देन, अब यहाँ हम लेंगे ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड. इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डायल्यूट एच सी एल देन सिंपल वन है. हियर ओ एच इज अ न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल अगेन दिस अटैक टू इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिल कार्बन एंड देन फॉर्म अ अनस्टेबल प्रोडक्ट. देखते किस तरह बनता है ये कार्बन एज इट इज. देन हियर होता है हमारा एच, अगेन हियर आर, देन नेक्स्ट वन क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, ये क्या हो गई यहाँ पर ओ आर डैश, अगेन हियर ओ एच. ये क्या हो जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, अगेन दे फॉर्म ओ आर डैश. तो ये रहता है हमारा हेमी एसिटल. इसका नाम क्या रहेगा, हेमी एसिटल. ये रहता है हमारा अनस्टेबल प्रोडक्ट. जब ये हमारा अनस्टेबल प्रोडक्ट अगेन रिएक्ट करता है अल्कोहल से देन दे फॉर्म अ स्टेबल प्रोडक्ट. लेते हैं हमारा अनस्टेबल प्रोडक्ट क्या होता है यहाँ पर आर सी एच ओ आर डैश देन हियर ओ एच. अगेन दिस रिएक्ट विथ अल्कोहल सेम इन प्रेजेंस ऑफ अ ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डायल्यूट एच सी एल देन दे फॉर्म. सेम होता है यहाँ पर, ये क्या करेगा ये ओ एच अटैक करेगा. अब यहाँ से ये जो बनेगा ये हाइड्रोजन एंड धिस ओ एच इज फॉर्म अ वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉर्म अ स्टेबल प्रोडक्ट. सिंपल वन है कार्बन एज इट इज, हियर एच हियर आर एंड अगेन यहाँ पर क्या हो जाएगा ये ओ आर डैश, अगेन हियर ओ आर डैश प्लस रिमूव क्या होता है ये वाटर मॉलिक्यूल एच टू ओ देन दे फॉर्म आवर अ स्टेबल प्रोडक्ट. दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज एसिटल. क्या फॉर्म होता है ये एसिटल. तो इज कॉल्ड एज एडिशन ऑफ अल्कोहल. इज एडिशन ऑफ अल्कोहल सिंपल, एल्डिहाइड रिएक्ट्स विद अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइल्यूट एच सी एल देन दे फॉर्म अ हेमी एसिटल. हेमी एसिटल मीन्स अनस्टेबल प्रोडक्ट. अगेन दिस अनस्टेबल प्रोडक्ट रिएक्ट्स विद अल्कोहल ड्यू टू रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल दे फॉर्म अ स्टेबल प्रोडक्ट. दिस स्टेबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज एसिटल. नेक्स्ट वन इफ यू वी टेक एसीटोन, तो देखते हैं हम क्या होता है एसीटोन में. कार्बन डबल बॉन्ड ओ, हियर सी एच थ्री, अगेन हियर सी एच थ्री देन रिएक्ट्स विथ अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइल्यूट एच सी एल. सेम है क्या होता है ये न्यूक्लियोफाइल मीन्स ओ एक कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा देन दे फॉर्म अ अनस्टेबल प्रोडक्ट. किस तरह से फॉर्म करते हैं यहाँ पर कार्बन सी एच थ्री, अगेन सी एच थ्री देन दे फॉर्म ओ एच, अगेन दिस वन क्या फॉर्म करता है ओ आर डैश होता है. ये रहता है अनस्टेबल प्रोडक्ट मीन्स ये क्या हो जाता है हमारा हेमी एसिटल. अगेन इसमें हम क्या देखते हैं, हियर इफ वी टेक हियर हाइड्रोजन, इसे हम लेते हैं फिर रिएक्शन लेते हैं यहां पर. इफ वी टेक सी एच थ्री देन हियर एच अगेन हियर सी ओ दिस एसिटल्डिहाइड रिएक्ट्स विथ अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डायल्यूट एच सी एल देन दे फॉर अनस्टेबल प्रोडक्ट. सिंपल वन रहते हैं यहाँ पर सी एच थ्री, ये क्या होता है ओ एच न्यूक्लियोफाइल,
अगेन यार न्यूक्लियर फाइल अटैक करता है ओ एच एंड देन ओ आर डैश, क्या फॉर्म करता है ओ आर डैश। अगेन दिस वन इज रिएक्ट विद सिंपल वन, अगेन रिएक्ट करेगा किससे, ये ओ एच से, अल्कोहल से, देन अगेन सेम डरा एस सी एल और डायल्यूट एस सी एल, तो फॉर्म करता है प्रोडक्ट, सर प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। यहाँ पर हम लेते हैं सी टू एच फाइव, हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर सी टू एच फाइव लेते हैं, तो यह जहां जहां हम ले रहे हैं यहाँ पर सी टू एच फाइव, तो ये किस तरह से फॉर्म होता है, कार्बन सी एच थ्री अगेन एच एज इट इज, तो यहाँ से ये क्या रिमूव हो जाता है वाटर मॉलिक्यूल और हमें फॉर्म करता है आई स्टेबल प्रोडक्ट ओ सी टू एच फाइव, अगेन ओ सी टू एच फाइव और क्या रिमूव करता है वाटर मॉलिक्यूल, तो दिस वन इज कॉल्ड एज। अब देखते हैं क्या ये फर्स्ट कार्बन पर अटैक होता है ये ओ सी टू एच फाइव, ओ सी टू एच फाइव मीन्स इथा ऑक्सी होता है ये सी टू एच फाइव, ओ से क्या बनता है ये इथा ऑक्सी, तो हम लिख सकते हैं इसके नेम वन वन टू इथा ऑक्सी है, तो क्या लिखेंगे टू से डाई, अगेन क्या है ये इथा ऑक्सी, ये क्या फॉर्म होता है सी एच थ्री सी एच इथेन, तो इजीली विद द हेल्प ऑफ एडिशन ऑफ अल्कोहल हम अल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड टू वन वन डाइएथिल इथॉक्सीथेन प्रिपेयर कर सकते हैं, है इजी, दिस वन इज अवर एसिटल डिहाइड। तो अब नेक्स्ट वन लेते हैं, इसी में हम लेते हैं कि इफ वी टेक कीटोन, इफ वी टेक कीटोन, कीटोन रिएक्ट्स विथ इथेन वन टू डायोल, किससे रिएक्ट करता है ये इथेन वन टू डायोल से होता है ये, क्या ये दिस वन इज इथेन, दिस वन इज वन टू डायोल, अगेन इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डायल्यूट एच सी एल देन दे फॉर्म अ साइक्लिक केटल, किस तरह से देखते हैं यहाँ पर हम सी एच टू अगेन हियर सी एच टू अगेन ओ हियर ओ होता है यहाँ पर, अब देखते हैं ये कहाँ पर अटैक करेगा हमारे इस कार्बोनिल कार्बन पर मीन्स सी बनता है, अगेन हियर क्या होता है यहाँ पर आर एज इट इज आर, तो दिस वन इज कॉल्ड एज साइक्लिक केटल एंड देन दे रिमूव वाटर मॉलिक्यूल, तो सिंपली व्हेन एसीटोन और व्हेन कीटोन रिएक्ट्स विद इथेनॉल वन इथेन वन टू डायोल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे फॉर्म अ साइक्लिक केटल बाय रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट वन हम देखते हैं इसमें एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्स रिएजेंट, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्स रिएजेंट, सिंपल ग्रिग्नार्स रिएजेंट मीन्स आर एम जी एक्स, इसका एडिशन हम कहाँ करेंगे अल्डिहाइड पर मीन्स कीटोनिल कार्बन पर, अब देखते हैं किस तरह से ये हुआ हमारा कार्बन पॉजिटिव एंड दिस वन इज नेगेटिव, जब ये रिएक्ट करते हैं हमारे इस ग्रिग्नार्स रिएजेंट पर तो जो रहता है यहाँ पर आर, आर इज निगेटिवली चार्ज और एम जी एक्स इज पॉजिटिव, तो जो रहते हैं ये आर कहाँ अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर, देन दे फॉर्म एन अडक्ट अगेन इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर, तो फॉर्म करेगा यहाँ पर कार्बन एज इट इज, आर लग जाएगा हमारा न्यूक्लियोफाइल अगेन यर ओ एम जी एक्स, अब बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस, बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस दे फॉर्म, अब क्या फॉर्म करेगा ये, इसमें हम देखते हैं कि ये फॉर्म करता है क्या मिलेगा यहाँ पर OH, इस तरफ अटैक करेगा ये फॉर्म करेगा OH एंड हियर R और रिमूव करेगा MgX एज वेल एज OH, तो विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्स रिएजेंट वी कैन फॉर्म कीटोनिल कार्बन टू अल्डिहाइड और अल्कोहल। नेक्स्ट वन देखते हैं हम हेलो फॉर्म रिएक्शन, देखते हैं हम
हैलोफॉर्म रिएक्शन। इसमें हम क्या देखते हैं इस हैलोफॉर्म रिएक्शन में कि इफ एसीटोन, इफ वी टेक एसीटोन मीन्स CH3COCH3, इफ एसीटोन ट्रीटेड विद सोडियम हाइपोआयोडाइड, हियर सोडियम हाइपोआयोडाइड, इसे हम देते हैं 3 moles, दिस वन इज सोडियम हाइपोआयोडाइड, अगे इन प्रेजेंस ऑफ एन अल्कली NaOH एंड आयोडीन, देन दे बाय स्लाइट हीटिंग फॉर्म आयोडो फॉर्म Ci3 क्या फॉर्म करेगा, प्रेसिपिटेट ऑफ आयोडो फॉर्म। अगेन हमें यहां पर मिलेगा नेक्स्ट प्रोडक्ट CH3COO- एंड देन Na+, दिस वन इज एसीटेट, सोडियम एसीटेट क्या फॉर्म करेगा, सोडियम एसीटेट, एंड अगेन रिमूव करेगा NaOH। देखो किस तरह बनता है ये, व्हेन एसीटोन रिएक्ट्स विद सोडियम हाइपोआयोडाइड, तो यहाँ से क्या आता है ये नेगेटिव पार्ट किससे अटैक करेगा, ONa, ये नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा हमारे पॉजिटिवली कार्बन पर, देन दे फॉर्म सोडियम एसीटेट एंड रिमूव हियर CH3I, क्या रिमूव करेगा, CH3I रिमूव करेगा, मीन्स आयोडो फॉर्म हमें इजीली फॉर्म हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ हैलोफॉर्म रिएक्शन। लास्ट वन रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इलिमिनेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विथ अमोनिया डेरिवेटिव्स। तो सिंपल वन है, हम लेते हैं फर्स्ट एसिटाल्डिहाइड, इफ वी टेक एसिटाल्डिहाइड देन एसिटाल्डिहाइड रिएक्ट्स विथ हाइड्रोऑक्सिलामाइन, किससे रिएक्ट करेगा, व्हेन एसिटाल्डिहाइड रिएक्ट्स विथ हाइड्रोऑक्सिलामाइन देन दे फॉर्म एन एडक्ट, देखते हैं किस तरह से फॉर्म करते हैं। अब यहाँ देखते हैं हम ये दिस वन इज न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, कार्बोनिल कार्बन पर, देन दे फॉर्म एन एडक्ट प्रोडक्ट अगेन CH3 क्या फॉर्म हो जाएगा, हियर OH, देन नेक्स्ट वन न्यूक्लियोफाइल NH and OH एडक्ट फॉर्म होता है, अगेन बाय रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल दे फॉर्म आवर रिक्वायर्ड प्रोडक्ट एसिटल डॉक्साइन, इस तरह से फॉर्म करेगा यहाँ पर, यहाँ रिमूव हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल, इस तरह से क्या रिमूव होगा, वाटर मॉलिक्यूल, और बॉन्ड फॉर्म होगा C डबल बॉन्ड N, देखते हैं हम यहाँ पर CH3 अगेन CH एज इट इज फॉर्म द डबल बॉन्ड NOH दे फॉर्म एसिटाइल डॉक्साइन, तो इजीली है व्हेन कीटोन ट्रीटेड विद अमोनियम हाइड्रोक्स व्हेन कीटोन व्हेन एसिटाल्डिहाइड ट्रीटेड विद हाइड्रोऑक्सिलामाइन देन दे फॉर्म एन एडक्ट बाय रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल दे फॉर्म एसिटाइल डॉक्साइन।